नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा साहब, राज गया मगर रिवायतें अब भी कायम है। आपकी ये शानो शौकत देखकर लगता है कि जमाना अब भी नहीं बदला। जमाना हम बदलने भी नहीं देंगे केदारनाथ। हमारी पुश्तों से चली आई आन बान और शान को हम इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। खैर, मनोरमा को हमने बड़े नाजों से पाला है। वो अपने गुजरे हुए माँ बाप बिल्कुल भूली गई है। उसके माँ बाप अब हम ही हैं। हमारी एक ही तो भतीजी है। यूं समझ लीजिए कि हम अपने दिल का टुकड़ा आपके घर में दे रहे हैं। रमा और रूपेश की कुंडली तो मिल ही जाएगी। खैर, रमा अपनी पढ़ाई खत्म करके हिंदुस्तान आ जाए तो हम एक तरह से ये रिश्ता पक्का ही समझे। पक्का? अरे पक्का क्या समझो, मोहरी लग गई। नमस्ते। आओ लाला, आओ। भाई इनसे मिली ये हमारे धूम सरकार धूम। जब तक ये हमारे दर्शन नहीं कर लेते इनके गले से खाना नहीं उतरता। राजकुमार जी, हमारी बिटिया बड़ी सरल, बड़ी भोली, बिल्कुल गाय है गाय। मुँह में जबान तक नहीं है, बिल्कुल गूंगी है गूंगी। लाला माफ करना सरकार, जुबान स्लिप हो गई। अच्छा तो राजा साहब, हमें इजाजत दीजिए, शाम भी ढल चुकी है और हमें बहुत दूर भी जाना है। अच्छा केदारनाथ, इन्हें गाड़ी तक छोड़ा। आइए। नमस्ते। छोटे राजा। दुर्गा। हाँ छोटे राजा, आपने बुलाया नहीं इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं और तुम्हें बुलाऊं? भूल गए, कहा तो यही था ना। मैंने कहा और तुमने यकीन कर लिया। तो फिर भगवान के आगे वो फेरे क्या वो दिखावा था, छल था? दुर्गा, जितनी तरह की लड़कियां होती हैं ना उतने ही तरह के जाल बिछाने पड़ते हैं। कोई पैसों से खुश हो जाती है, कोई तोहफा से, पर तुम उन सबसे अलग थे, इसीलिए तुम्हारे साथ शादी का ढोंग करना पड़ा। देखो दुर्गा, रात गई बात गई। वो रात नहीं गई छोटे राजा, वो रात मेरी कोख में तुम्हारा वंश बनकर पल रही है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा? क्या सबूत है तेरे पास? भगवान जानता है कि ये जिस पत्थर के भगवान की बात कर रही है तू, उसकी इसे खुद मंदिर छोड़कर दर्शन देने के लिए रोज हमारी चौखट पर आना पड़ता है। मेरा विश्वास करो, मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। बच्चा मेरा है ये मैं कैसे यकीन कर लूं? कौन जाने मुझसे पहले उस हरामजादे के माथे पर और कितने पापों की मोहर लग चुकी है। रणबीर, क्या बात है? राजा साहब, ये औरत कहीं से अपना मुंह काला करके आई है और अपना कलंक छोटे राजा बाबू पर थोपना चाहती है। चिल्लाती है, कहती है कि लाला तुम अंदर जाओ। बड़े राजा, ये कलंक नहीं है, आप ही के खानदान का खून है जो बेगुनाह
अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आप इंसाफ कीजिए बड़े राजा, आप इंसाफ कीजिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। तूने कहा था ना, ये मेरे भाई का पाप है, ले अब ये भी धुल गया। जालिमो, बहुत सताया है, बहुत जुल्म किया है मुझ पर। तुम शायद ये भूल गए, जब गरीब की छाती फटती है तो उसमें से दर्द निकलता है तो उसकी आह ऊपर वाले तक पहुंचती है और वो कहर बनकर तुम्हारी खोखली शान को चूर चूर कर देता है। मेरी एक एक बद्दुआ ऊपर वाले की लाठी बनकर तुम पर बरसेगी। जिस तरह यह भागन आज तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रही है अपनी इज्जत के लिए, एक दिन तुम भी किसी गरीब के आगे गिड़गिड़ाओगे अपनी जिंदगी के लिए, मगर तुम्हें भीख नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तुमने मेरे खून से अपना फर्श धोया है रणबीर सिंह, मैं तुम्हारे खून से अपने बाल धोऊंगी और इन्हें तब तक नहीं बांधूंगी जब तक मेरा कहा सच नहीं हो जाता। एक दिन एक झोपड़ी का चिराग तुम्हारे इस महल को आग लगा देगा और उस आग में तुम्हारा अहंकार जलकर राख हो जाएगा ब्रजराज सिंह। ये मेरा श्राप है। मुझे तो लगता है तू मेरा बेटा ही नहीं है। मुझे भी लगता है आप मेरे बाप ही नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल तेरा बाप नहीं हूँ। अरे जो आदमी राजा साहब की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है, जो राजा साहब की हुकूमत को ललकारता है, उस हरामजादे की बेटी से अगर मेरी औलाद रिश्ता जोड़ना चाहती है तो मुझे वो औलाद ही स्वीकार नहीं है। मैंने भी अपनी स्वर्गवासी माँ को वचन दिया था, आपकी रजामंदी के बगैर शादी नहीं करूँगा, नहीं तो मैं आपकी मनमानी स्वीकार नहीं करता। राजा साहब की चमचागिरी करते करते अपने बापू को चमचा बोलता है। चमचे को चमचा नहीं बोलूं तो क्या कड़की बोलूं? क्यों बोलूं? हाँ, क्योंकि राजा ने लाला को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चुप, मजाक उड़ाता है मेरी। अबे रुपये, क्यों लड़ता रहता अपने बापू से? वो भी राजा साहब की चमचागिरी से बाज नहीं आते। कितनी बार समझाए, सच्चाई का साथ दो, अमेरिका नहीं। अजय बेटे, चलो नाश्ता कर लो। आया माँ। लकी मैन, पानी नहीं आ रहा। थैंक यू। माँ सुनो ना माँ। राम, ये क्या बचपना है? माँ, से जल्दी से घर से निकाल दो, जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ पीले कर दो बस। चल नाश्ता कर। माँ, भैया सुबह से शाम मुझे मेरे हाथ पीले करने की बात करते रहते हैं, मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। माँ, तो इसकी बातों में मत आना, जितनी जल्दी हो सके, चाहे वो लंगड़ा हो, लुला हो, गधा हो या घोड़ा, कुछ भी हो, इसकी शादी कर दो बस। ओए होए, मेरे लिए लंगड़ा और लूला और तुम्हारे लिए कोई राजकुमारी आएगी? हाँ, मेरे लिए राजकुमारी आएगी, क्यों नहीं, मेरे लिए
राजकुमारी ही आएगी। ये सब क्या है चाचू? रमा, ये सब तुम्हारा स्वागत करने, तुम्हें देखने के लिए आए। देखने? क्या मैं तुम सबको कोई नुमाइश की चीज नजर आती हूँ? मुझे नहीं चाहिए कोई स्वागत वागत। जाइए और अपना काम कीजिए। आउट। लेकिन बेटी, आउट। इस तरह का स्वागत हमारी परंपरा है, हमारे रीति रिवाज के मुताबिक है। ओ चाचू, रीति रिवाज? ताऊ जी कहाँ है? ताऊ जी अंदर है। ताऊ जी। रमा रमा, कैसी है हमारी बेटी है? बहुत नाराज है हम आपसे। क्यों? ये आपने हमें किस जंगल में बुलवा लिया है? कितनी बोरिंग जगह है। अरे अब की बार तो हम बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे आपको। जानती हो क्यों? क्योंकि अब की बार हमने आपकी सगाई करने का फैसला कर लिया है। सगाई? किससे? कोई इंडियन लंगूर से? हमें इतनी जल्दी शादी वादी नहीं करनी। तो हम कब कह रहे हैं कि शादी आज ही कर लो है? अरे अभी अभी आई हो, घूमो फिरो, रिलैक्स रमा, एंजॉय योरसेल्फ। लड़की, रमा को उनका कमरा दिखाओ। ठीक है। भाई साहब, ये लड़की है या कोई जलजला? जलजला तो होगी, आखिर खून किसका है? ये मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती। How dare you? उतारो मुझे। अरे बड़ी नाशुक्र हो तुम। एक तो मैंने तुम्हें डूबने से बचाया, ऊपर से चला रही हो, डूब जाती तुम। डूब जाती तो डूब जाती, तुम कौन होते हो बोलने वाले? नीचे उतारो मुझे। मैंने कहा नीचे उतारो मुझे। जानते नहीं मैं कौन हूँ? सपनों की राजकुमारी। सपनों की राजकुमारी नहीं, हकीकत की। तुम जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। दिल लगी करने को दिल तो बात कर रहा है, पर जरा जल्दी मैं हूं, फिर मिलेंगे। दीदी, दीदी, कौन है ये जानवर? जानवर? जानवर नहीं, आदमी है आदमी, और नाम है अजय। गाँव की सारी लड़कियाँ मरती हैं इस पर ये है कि मुड़ कर देखता तक नहीं। पिछले साल बैल उत्सव में यही जीता था और इस साल भी यही जीतेगा। किशनगढ़ के वासियों, ठाकुर परिवार के सौजन्य से हर वर्ष की तरह आज भी हम इस महोत्सव को प्रारंभ करते हैं।
राजा साहब ने क्या प्राण पाल के रखा है? अच्छे अच्छे सही बात कही बापू आपने, राजा साहब ने क्या सांड पाल के रखा है ये वो। जो अपनी जान की बाजी लगाएगा, कोई ऐसा नौजवान जो अपनी ताकत आजमाना चाहेगा, बोलिए कोई है? आइए आइए आगे बढ़िए, क्या कोई है ऐसा नौजवान? कोई ऐसा ताऊजी, मैं अभी आई। जानवर को काबू कर सकेगा, बोलिए कोई है? लगता है कोई नहीं। कोई नहीं? क्या ऐसा कोई नहीं जो इस जानवर को काबू कर सके? लगता है शहर में कोई असली मर्द ही नहीं। मर्दों की मर्दानगी को ललकारा नहीं करते। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। उम्र भर नहीं। मर्दानगी दिखाना चाहते हो तो पहले जीत कर तो दिखाओ, जो मांगोगे मिलेगा। अच्छा, क्या दे सकती हो? 50,000। ये नाम तो कुछ भी नहीं जिस पर मेरी नजर है। क्या हुआ? देख मेरा दोस्त जा रहा है। बेवकूफ लड़का, ये भी गया। बापू, लगी शर्त। कैसी शर्त? अगर अजय जीत गया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे मुंह को कालक लगाऊंगा, और अगर सांड जीत गया तो अपने हाथों से लगा लेना। ये सांड तो तेरे दोस्त को चने चबवाएगा। चने चने तो सांड चबा रहा है। अपने बापू को सांड बोलता है।
गधे, तू अपने बाप के मुंह पे कालक लगाता है, तू मेरा बेटा है। भैया उठो, भैया उठो ना, उठो। क्या कोई गहरा ख्वाब देख रहे थे? कितनी देर हो चुकी है, काम पे नहीं जाना क्या? उठो। अरे माँ, माँ। हाँ, जीते रहो बेटे, जीते रहो। संभल कर अजय बेटे, कहीं दूध छलक न जाए। दीदी बस एक मिनट, मैं गई और आई। हाँ साहब, मेरे दूध के डब्बे क्यों गिराए? मेरा स्कार्फ अपनी गाड़ी पर क्यों लगाया? नाक पोंछने के लिए। How dare you? जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं तो जानता हूँ कि आप कौन हैं मेम साहब, लेकिन शायद आप नहीं जानती कि आप कौन हैं। मुझे याद दिलाना होगा। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम्हारे ससुराल। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने नुकसान किया, तुम्हें भरना होगा। नहीं भरूंगी। नुकसान करना आता, भरना नहीं। नहीं। कैसे नहीं भरोगी? चलो अब। छोड़ो मेरे हाथ। तुमने नुकसान किया, तुम्हें भरना होगा। नुकसान करना आता, भरना नहीं। कैसे नहीं भरोगी? चलो अब। दीदी ये आप क्या कर रहे हो? मत पूछ। कहीं दूध तो नहीं धो रही हो? वही तो कर रही हूँ। तो क्या उसने तुम्हें दूध धोना भी सिखा दिया? वो मुझे क्या सिखाएगा, वक्त आने दो। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद रखेगा। तुम उसे क्या सिखाओगी? उसने तो तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। लाला जी, ओ लाला जी, लाला जी।
क्या है? अरे लाला जी, कुछ लोग गांव से आए हैं। किस लिए आए? अरे लाला जी, चंदा मांगने। चंदा मांगने आए? बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। मगर लाला जी, मैंने बोल दिया उनको आप घर पे हैं। अरे लाला जी, आप क्या कर रहे हैं? लाला जी, आत्महत्या। आत्महत्या? अरे अरे क्या कहूँ गांव के नौजवानों, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, सट्टे में मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? चंदा, कल जन्माष्टमी है ना। चंदा? करीब से चंदा, करीब से चंदा। देता हूँ, चंदा देता हूँ। आज तक लोगों ने कन्यादान किया है, मैं पुत्रदान करूँगा। वैसे भी मेरा ये बेटा मेरे कुछ काम का नहीं है, ले जाओ इसे चंदे के तौर पर, जाओ। अरे 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 लाला जी, अरे अरे लाला जी, हमें चंदा उंदा नहीं चाहिए। काय को अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, चंदा विंदा कुछ नहीं मिलने वाला। जाओ 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 जाओ, चंदा मांगने आए। कहाँ चंदा मांगने आए? एक भिखारी के बाद चंदा मांगने आए। चंदा मांगने आते हैं लाला जी से। पैसा नहीं है क्या? अभी मजा चखाता हूँ, क्या ठहरना। डाकू आ गए। चलो जल्दी करो, निकालो वहाँ से, जल्दी। धोती के अंदर क्या है? धोती के अंदर? धोती में कुछ नहीं बेटे, धोती में कुछ नहीं डाकू। बोले तो झूठ बापू, खोल दे धोती, खोल दे। इतना बस। तुम? थैंक यू। भागो भागो। तूने लाला की लंका में आग लगाई है ना? अगर मैंने भी तेरे संसार में आग नहीं लगाई तो मेरा नाम भी लाला नहीं। पुजारी जी, पुजारी जी, मंदिर के दरवाजे खोल दीजिए ना। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय बीता जा रहा है। ये क्या कह रही हो बेटी? द्वार तो हर साल की तरह आज भी राजा साहब ही अपने हाथों से खोलेंगे। अरे वाह, राजा साहब नहीं आएंगे तो क्या भगवान का जन्म नहीं होगा? भगवान का जन्म भी किसी के लिए रुक सकता है भला? हमारे लिए रुक सकता है। कौन है तू तो? और हमारे मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखने की तूने जुर्रत कैसे की? मंदिर तो भगवान का होता है। मंदिर चाहे भगवान का हो, बना हमारे पैसों से है। इतना ही शौक था मंदिर बनवाने का तो उसे अपने महल में बनवा लिया होता। मंदिर तो सबका होता है और इसकी सीढ़ियां हर कोई चढ़ सकता है, चाहे वो धनवान हो या निर्धन। बहुत शौक है तुझे मुंह लगने का। तो लगो मुंह। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। अरे चल। बात मान ली तुझे मेरी कसम। चल 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 यहाँ से। चलो चलो।
अजय बेटी, नाराज है अपनी माँ से? वैसे एक बात कहूँ, मुझे जिंदगी का तजुर्बा तुझसे ज्यादा है। जिन लोगों से तू टकरा रहा था उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। वैसे भी कहते हैं ना, आग से नहीं खेलना चाहिए। अजय, अजय, ये तूने क्या किया बेटे? माँ, मुझे आग से खेलना आता है और उससे बुझाना भी। की राजकुमारी, तुझे हकीकत समझाने आई हूँ। देखा, तेरी हकीकत मेरे कदमों में है। वैसे ये जाल काफी खूबसूरत है। निकल नहीं पाओगे। कमबख्त, निकलना भी कौन चाहता है? फितूर है तुम्हारे दिमाग का। आखिर तुम कहाँ और मैं कहाँ? मैं आसमान की ऊंचाई में बसने वाली वो शहजादी हूँ और तुम जमीन पर रेगने वाले एक मामूली कीड़े। इस फासले को तुम कभी मिटा नहीं पाओगे। 4 इंच ऊंची एडी के जूते पहनकर कोई आसमान नहीं हो जाता मीम साहब। जब गिरोगी ये जमीन ही संभालेगी। तब की तब देखी जाएगी। आज तो तुम मेरे रहमो करम पर हो। सुनो, मेरी कैद मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मर्जी है। क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा। गेट हिम। तो तू दुश्मन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। तू क्या समझती है और वो क्या समझता है कि हम झुक जाएंगे? प्यार झुकता नहीं है दीदी। औरत चाहे गरीब की कुटिया में हो या महलों में, उसकी नजरें हमेशा झुकी हुई अच्छी लगती है। लेकिन हम वो लड़की नहीं जो झुक जाए। जीत हमारी होगी, उस अजय की नहीं। नमस्ते राजा साहब। जीते रहो रुपेश, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मंगनी होने से पहले रमा और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो। जी राजा साहब। आओ रमा, आओ आओ बेटे। देखो, भवानीपुर की शान किशनगढ़ की जान से मिलने आई है। हेलो। मगर ताऊ जी, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। बेटे, ये भवानीपुर इंडस्ट्रीज के मालिक केदारनाथ जी के इकलौते चश्मों चिराग रुपेश हैं। इन्हीं से तो तुम्हारी सगाई तय की है। मगर ताऊ जी, मैं तो इन्हें जानती। अपने जंगलात में दोस्तों के साथ शिकार के लिए जा रहा था। शिकार? जी। How exciting! आप शिकार करते हैं? जी हाँ, क्यों? वैसे तो किसी जंगली जानवर का शिकार करने का हमारा भी बड़ा दिल करता है। ओह रियली? तो चलिए ना हमारे साथ, इसी बहाने आपके शिकार करने के शौक भी पूरे हो जाएंगे।
और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी लेंगे। क्यों राजा साहब? Why not? रमा जरूर जाएगी। शिकार। आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? लगता है मुझे मिलने की बेताबी में रात भर सोई नहीं। हाँ, मैं सारी रात सोई नहीं, तुम्हें याद करती रही, और सुबह का सूरज चढ़ते ही तुम्हें ये कहने आई हूँ कि अब तुम उम्र भर रातों को सो नहीं सकोगे। अच्छा, मैं शादी करने वाली हूँ। हमारी शादी इतनी जल्दी? अरे, मैंने तो अभी तक अपनी माँ से बात भी नहीं की। गलत फहमी के शिकार हो तुम। मेरी शादी भवानीपुर के राजकुमार रुपेश सिंह से होने वाली है। क्यों, कैसा लगा? और तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई मुझसे शादी करने के सपने देखने की? मेरा तन मन उसकी अमानत होगा, वो मेरी इज्जत आबरू का रखवाला होगा, मेरी हर सांस उसकी होगी। हर रात जब तुम मेरे लिए तड़पोगे, मैं उसकी मजबूत बाहों में होंगी। मेरी डोली तुम्हारे घर के सामने से गुजरेगी और तुम देखते रह जाओगे। बहुत शौक है ना तुम्हें रांझा बनने का? तो चलो आज मैं तुम्हें कैद से मजनू बना दूं, वो मजनू जिसे लैला कभी हासिल नहीं हुई, जो रेगिस्तान में दर बदर भटकता रहा, जिस पर जमाना पत्थर मारता रहा। वो बेवकूफ लैला अपने मजनू को पत्थरों से बचाती रही, लेकिन मैं एक पत्थर मैं भी मारूंगी। Thank you.
राजकुमार जिसकी मजबूत बाहें जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करेंगी। अरे जिंदगी भर तो दूर, ये तो एक रात भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। तुम जैसी लड़कियां जिन्हें दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं, उनकी इज्जत का रखवाला ऐसा ही होगा। तुम क्या मेरी मोहब्बत को ठुकराओगी? मेरी मोहब्बत तो दूर, तुम तो मेरी नफरत के लायक भी नहीं। रमा, 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 कल रात जो कुछ हुआ, दरअसल मैं होश में नहीं था रमा। अपने दोस्तों की बदसलूकी के लिए मैं माफी चाहता हूँ रमा। बदसलूकी? मेरा तो ख्याल था कि ये तुम्हारे खानदान की कोई महान परंपरा होगी कि दुल्हन को पहले दूल्हे के दोस्तों की रखेल बनना पड़ता है। रमा! चिल्लाओ मत। तुम जैसे कमजोर आदमी अपनी कमजोरी का एहसास दिलाने पर आवाज उठाने के अलावा और कर भी क्या सकते हो? तुम हद से आगे बढ़ रही हो रमा। ये मत भूलो कि तुम मेरी मंगेतर हो। मंगेतर? और तुम्हारी? अगर मेरे ताऊजी को पता चल गया कि भवानीपुर की शान ने किशनगढ़ की जान के साथ क्या सलूक किया है तो खून की नदियां बह जाएंगी। वो भवानीपुर के साथ साथ तुम्हें भी मिट्टी में मिला देंगे। शिकार? हाँ, इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प। अच्छा, और रुपेश वो कैसा? ताऊजी, इस शिकार में हमने शेर और गीदड़ का फर्क अच्छी तरह जाना। अच्छा, तो क्या सोचा तुमने? सोचा नहीं, हमने फैसला कर लिया है। वेरी गुड, तो फिर मैं इतनी भी जल्दी क्या है ताऊ जी? वक्त आने पर हम आपको बता देंगे कि आहा, वक्त आने पर। आहा, क्या कसूर है इसका? कसूर? दीवानी हो चुकी है, पागल हो चुकी है, दिन रात अपने आशिक का नाम रटती रहती है। तो क्या हुआ? हम इसे गांव से बेदखल कर देना चाहते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक प्यार करने वाले को बेदखल कर देना चाहते हैं आप लोग? आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो अजय भैया? इसलिए कि इसने सिर्फ प्यार किया है, ये भी किसी को अपना दिल दे बैठी है, और प्यार करना पाप नहीं। मैं तो पहले से ही जानता था जिसका संबंध राजघराने से हो, उठना बैठना हो, ऐसे घर में हमारी बेटी अगर बहू बनकर जाएगी तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। जरूर जरूर। लालाजी, आपका बेटा लाखों में एक है, लाखों में एक। और चाल चलन के तो क्या कहने, आपका बेटा गुणों की तिजोरी है, तिजोरी। तिजोरी तो है ही, इसलिए तो मैंने उसका नाम रुपया रखा है, रुपया। लेकिन एक समस्या है। समस्या? हाँ, देखो भाई,
भगवान ने मुझे हीरे जैसा बेटा दिया है, अब इस दुनिया में मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं उसे, वो दहेज, दहेज उससे तो मुझे सख्त नफरत है, घृणा है। मुझे दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे हीरे जैसे बेटे को हीरो से, नहीं तो कम से कम सोने से तो तोली दीजिए। सोने से? हाँ, क्यों? अच्छा सोना नहीं, कम से कम चांदी सी तो तोली दीजिए। चांदी से? अरे चांदी भी नहीं, फिर रुपयों से तोल दीजिए। जी रुपयों से? अरे क्या फटीचर लोग है, माल नहीं घर में और मेरे बेटे से शादी करने निकले। चलो निकलो यहाँ से, पकड़ो अपना रास्ता। ऐसे फकीराना घर में मेरा बेटा क्या जवाई बनकर जाएगा? ऐसे थोड़े ही मैंने उसका नाम रखा है रुपया।